बेंगलुरु की टीम में ये खूबसूरत महिला भी हुई शामिल। नमस्कार। कोलकाता में आईपीएल 2020 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम एक महिला के बारे में बात करेंगे जो आरसीबी टीम में शामिल हो गई है। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को एक टीम के साथ जोड़ा गया। आइए जानते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने नवनीता गौतम को टीम ने मालिश चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया। ये पहली बार है जब किसी टीम ने स्पोर्ट स्टाफ में एक महिला को शामिल किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा आईपीएल 2020 के लिए बड़ा फैसला लिया गया। नवनीता गौतम अपने सहायक कर्मचारियों के साथ काम करेगी। आरसीबी की विज्ञप्ति के अनुसार नवनीता गौतम फिजियोथेरेपिस्ट इवान पिछली और अनुकूलन कोच शंकर बासु के साथ काम करेगी। विज्ञप्ति में ये भी कहा गया कि नवनीता गौतम खिलाड़ियों की व्यक्तिगत शारीरिक फिटनेस से संबंधित मामलों के लिए वरिष्ठ तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2019 में बहुत खराब प्रदर्शन किया था। आरसीबी की टीम ने एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता, जबकि विराट कोहली इस टीम के कप्तान है। कप्तान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन वे आईपीएल में एक कप्तान के रूप में कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।